नमस्कार, मैं भव्य दिलावर से वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि ये वीडियो मैंने आज बनाया है गुरु ग्रह जो कि धनु राशि में भ्रमण करने वाले हैं, तो वो हम सब पे क्या प्रभाव देंगे। 5 नवंबर 2019 मंगलवार से गुरु ग्रह धनु राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो भ्रमण है बहुत ही खास है, क्योंकि गुरु ग्रह जो है अपनी स्वगृही राशि में जा रहे हैं। धनु राशि गुरु की खुद की राशि है, उसमें वो बलवान होते हैं। तो गुरु जब धनु राशि में भ्रमण करेंगे तो जो भी शुभ फल देंगे वो बहुत ही बलवान देंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरु का काम है शुभ करना, यानी गुरु का गोचर जो है कभी अशुभ फल नहीं देता है। हाँ, लेकिन कई बार गुरु जब थोड़े वीक चलते हैं या उनका शुभ प्रभाव थोड़ा कम होता है तो पाप ग्रह का फल जो है वो बढ़ जाता है या उनका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो याद रखिए, ये गुरु ग्रह का जो भ्रमण है हम सबको शुभ फल ही देने वाला है, लेकिन किसी को थोड़ा कम देगा, किसी को ज़्यादा देगा। तो मैं आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारी जो 12 राशियाँ है तो उन लोगों को ये गुरु जो है क्या फल देगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले जातक। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जो भी जातक है उनकी कुंडली में धनु राशि का जो गुरु है अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और ये जो गुरु है उनकी कुंडली के अंदर 12वां भाव यानी कि व्यय भाव को कंट्रोल करेगा, कुटुंब भाव को कंट्रोल करेगा, और फोर्थ हाउस यानी कि जमीन मकान और वाहन का जो सुख जहाँ से देखा जाता है उसको कंट्रोल करेगा। तो वृषभ राशि वालों को सबसे पहले जो फायदा होगा वो ये होगा कि जो गलत तरीके से जो एक्सपेंस हो रहा है उसको वो कंट्रोल करेगा। साथ में ही कोई शुभ कार्य के पीछे ये गुरु खर्च करवा सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये गुरु कंट्रोल करेगा, उसका सॉल्यूशन लाएगा। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी ये देगा, और ससुराल के साथ के संबंध जो है वो अच्छे करेगा। अगर कोई आपको हेल्थ इश्यू है तो ये टाइम पे ये गुरु आपको हॉस्पिटलाइज करवा सकता है, लेकिन उसका रीज़न ये होगा कि वो आपके हेल्थ को 100% क्योर करना चाहता है। कहने का मतलब, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो तभी पता चलेगा जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे, और या छोटा सा कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। उसका कारण है कि आपकी बॉडी के अंदर जो रोग है उसको क्योर करना भी गुरु का काम है। तो हॉस्पिटलाइजेशन ये टाइम में हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए अच्छी बात है, नेगेटिव बात नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम ये टाइम पर आपका बढ़ेगा, सेविंग्स भी अच्छी होगी, फैमिली के साथ के जो भी संबंध है वो अच्छे रहेंगे। अगर मन मुटाव हुआ है पहले तो उसमें समाधान होगा। साथ में ही आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकोगे, और उससे भी आप इनकम अच्छी जनरेट कर सकोगे। आपके प्रोफेशन में वाणी जो है वो आपको अच्छी तरह से हेल्प करेगी। और जो लोग जमीन या मकान या वाहन या कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये जो गुरु है उनको प्रॉपर्टी दिलवाने में हेल्प कर सकता है। यहाँ पे जो थोड़ा ध्यान रखना वो ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी लोगे हो सकता है वो आपके बजट से थोड़ी बाहर की होगी, यानी उसके लिए आपको लोन ले सकती है या किसी के पास से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं। अगर आपको मकान को लेके कोई प्रॉब्लम चल रहा था, या ऐसा समझिए कि भाई आपका मकान आप डेवलप करना उसमें रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या कुछ भी चेंजेस करना चाहते थे नहीं हो रहा था, तो ये गुरु आपको उसमें हेल्प करेगा। और एक बात, आपका मकान जो है उसमें जो भी चेंजेस होंगे ये टाइम पे वो वास्तु के हिसाब से होंगे, ये भी एक अच्छी बात है। मकान का सुख आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है ये धनु के भ्रमण में। साथ में ही अगर कोई वाहन लेना चाहते हैं, टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर लेना चाहते हैं, तो उसमें भी ये जो है धनु राशि का गुरु वृषभ राशि वालों को सपोर्ट करेगा। माता का बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त होगा, माता की हेल्थ को लेकर कोई चिंता थी तो ये टाइम पे आपकी कम हो सकती है। साथ में ही आपकी जो भी इच्छाएं थी, जो भी महत्वाकांक्षाएं थी, ये टाइम पे ये गुरु उसको फुलफिल करेगा, उसको पूर्ण करेगा और आपको उत्तम सुख प्रदान कर सकता है। यानी वृषभ राशि जो है उनके लिए भी हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को ये गुरु बढ़ाने वाला है, आकस्मिक धन प्राप्ति कराने वाला है और हर्डल्स को कम करने वाला है। तो आपके लिए भी गुरु का भ्रमण बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ये धनु के गुरु का अच्छा फल लेने के लिए या उसका सुप्रभाव बढ़ाने के लिए वृषभ राशि वालों को जो उपाय करने हैं वो ये है कि अगर वो कोई भी हॉस्पिटल में जाके खाने का या कोई फूड अगर जो भी वहाँ पे मरीज है, दर्दी है, पेशेंट्स है उनको दे, तो
तो उनको बहुत ही अच्छा फल देगा। अगर वो हॉस्पिटल में मेडिसिन का दान करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, और साथ में ही ससुराल के साथ के संबंध अच्छे बनाए रखे तो भी ये गुरु आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। इस तरह हमने देखा कि गुरु आपको बहुत ही शुभ फल देने वाला है, क्योंकि गुरु का काम ही शुभ करना है, तो वो अशुभ फल तो कभी देगा नहीं। हाँ, हो सकता है कई राशि वाले को थोड़ा शुभ फल कम मिले, किसी को ज़्यादा मिले। और यहाँ पे बेहतरीन बात यह है कि शनि राहु जो कि कुंडली में सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, उनको धनु का ये गुरु है ये बार कंट्रोल करने वाला है। तो सभी राशियों के लिए ये प्लस पॉइंट ये रहेगा कि 5 नवंबर 2019 से लेकर 20 नवंबर 2020 तक का जो टाइम रहेगा उसमें गुरु जो है राहु को भी कंट्रोल करेगा। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो लास्ट 2-3 साल से जो भी फाइनेंशियल हमारी जो स्थिति थी वो थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन धनु का ये जो गुरु है हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ही अच्छी करवाने वाला है। तो ओवरऑल इसका फ़ायदा हमारे पूरे भारत देश को होने वाला है। तो यही इच्छा के साथ कि ये 5 नवंबर 2019 से धनु राशि में गुरु का जो भ्रमण है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आए, यही इच्छा के साथ मैं भवदिया दिलावर सिंह वाघेला सोने की चिड़िया भारत से ये वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।